अगर आपकी डिलीवरी का समय निकट आ रहा है, आपकी डिलीवरी 1 से लेकर 1.5 हफ्ते के बीच में होने वाली है, तो ऐसे में आप भी चाहेंगे कि आपकी जो डिलीवरी है वो एग्जैक्ट टाइम पे हो जाए, ड्यू डेट जो डॉक्टर ने दी है उस टाइम पे आपकी डिलीवरी हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिलीवरी की ड्यू डेट आ जाती है लेकिन तब तक भी गर्भवती महिलाओं को ना तो कोई पेन वगैरह होता है, ना कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और ऐसे में महिलाएँ और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, घबरा जाती है, और कई बार जो है ड्यू डेट निकलने के बाद भी आपको पेन नहीं होता है। ऐसे में आपके गर्भ शिशु बड़ा होता रहता है और इस वजह से आपकी कई बार सी सेक्शन के द्वारा डिलीवरी होती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 ऐसे अजब गजब के नुस्खे बताने वाली हूँ। तो आपकी डिलीवरी शत प्रतिशत टाइम पे ही होगी और साथ ही आपको नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से, सरलता से और कम दर्द के साथ हो जाएगी। तो क्या है वो 2 उपाय, जानने के लिए हमारे वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा, स्वागत है आपका प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन की इस नई वीडियो में। आपकी डिलीवरी में अगर मात्र 10 दिन बचे हैं, यानी कि 1 से लेकर 1.5 हफ्ता आपकी डिलीवरी में बचा है, तो आप सबसे पहले इसमें एक उपाय कर सकती हैं कि आप इस दौरान ब्रेस्ट स्टिमुलेशन स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि आपको अपने ब्रेस्ट को उत्तेजित करना है। आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे से अपने हाथों से अपने ब्रेस्ट को प्रेस करना है, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, और अच्छे से इसको प्रेसिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपके ब्रेस्ट उत्तेजित होंगे और ऐसे में जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस होने वाला रहता है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। यानी कि आपका बच्चा नीचे की ओर आ जाएगा, आपकी गर्भाशय ग्रीवा का मुंह खुलने लग जाएगा, आपको कॉन्ट्रैक्शंस भी टाइम पे स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐसा अगर आप करती है, अपने ब्रेस्ट को प्रेस करती है, इस दौरान स्टिमुलेट करती है, तो आपकी डिलीवरी पक्का नॉर्मल तरीके से होती है और बहुत ही सरल और कम पेन में आपकी डिलीवरी बहुत जल्द हो जाती है। दूसरी चीज़, आप इस दौरान क्या करिए कि आप सोने से पहले, जैसे कि रात्रि को रोजाना दूध ले रही हैं, तो अब जब आपको 10 दिन बचे हैं आपके डिलीवरी से, तो इस दौरान आपको दूध जो है वो हल्दी वाला पीना चाहिए। अभी तक अगर आप केसर वाला दूध पीती आ रही हैं तो आपको अब इसमें हल्दी को भी ऐड कर लेना है। और हल्दी ही नहीं, आपको इसके साथ एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है घी। आपको 2 चम्मच घी अपने दूध में ऐड कर लेना है, यानी कि हल्दी और 2 चम्मच घी दूध के ग्लास में मिला के रोजाना रात को इसका सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो गर्भाशय की दीवारें होती हैं वो लचीली होने स्टार्ट हो जाती है, उनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और आपकी जो गर्भाशय ग्रीवा होती है, आपका जो पैल्विक एरिया होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और जब आपकी गर्भाशय की दीवारें चिकनी हो जाएंगी, लचीली हो जाएंगी, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत जल्दी, आसानी से और कम दर्द के साथ होती है। तो ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, पहला ब्रेस्ट स्टिमुलेशन और दूसरा दूध में हल्दी और घी का इस्तेमाल करना, ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होती है जब आपकी डिलीवरी की डेट में लगभग 10 दिन रह जाते हैं। तो ये 2 काम ज़रूर करिए, देखिएगा आपकी डिलीवरी नॉर्मल के साथ साथ बहुत आसानी से और कम दर्द के साथ होगी। तो हर महिला की इच्छा होती है कि उसकी डिलीवरी में उसे कम से कम पेन हो, जैसे कि गर्भवती महिलाएँ नॉर्मल डिलीवरी के पेन से बहुत ज़्यादा डरती भी हैं और चाहती हैं कि फटाफट से उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो अगर आप चाहती हैं तो आप ये 2 नुस्खे जरूर आजमाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।